सबसे पहले आपको बताती हूँ कि कल धन के देवता कुबेर की जरूर की जाती है। ये फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितने पैसे हैं, लेकिन अगर आपके घर में कुबेर नहीं है तो पैसा आएगा और निकल जाएगा। आपके दराज में पैसा आएगा और निकल जाएगा। कुबेर की मूर्ति या कुबेर की फोटो आपके घर में जरूर होनी चाहिए और कल उसको स्थापित करें। अगर आपके पास चौकीदारी नहीं होगा तो पैसा टिकेगा कहाँ, तो कुबेर को अपने घर में जरूर रखें। दूसरी, जब कल पूजा की जाती है तो माँ लक्ष्मी की पूजा भी जरूर की जाती है, क्योंकि पैसा देने वाली तो वही है, संभालने वाले कुबेर, तो हमें तो दोनों का साथ चाहिए। इसके साथ साथ यमराज की पूजा भी की जाती है। जी हाँ, कल यमराज की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि आपके घर में पैसे के साथ साथ कोई मुसीबत ना आए, इसलिए कल यमराज को भी खुश कर दिया जाता है। अब पैसा आ जाए और मृत्यु भी ना आए, लेकिन बीमारी आ जाए तो पैसा तो बीमारी पर ही खर्च हो जाएगा ना, इसलिए कल भगवान धन्वंतरी की पूजा भी जरूर की जाती है, ताकि पैसा तो आए, घर में समृद्धि भी आए, लंबी उम्र भी रहे, उसके साथ साथ घर में बीमारी ना रहे। तो कल आपको ये चार पूजाएं जरूर करनी है, कुबेर जी, माँ लक्ष्मी, साथ साथ यमराज और उसके साथ साथ भगवान धन्वंतरी। सारी इमेजेस बहुत इजीली गूगल पे अवेलेबल है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक प्रिंट आउट भी निकाल देंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। इसके साथ साथ कुछ खास चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर हम किसी को देखते हैं और उसके शरीर पे बड़ी मिट्टी चिपकी होती है, तो क्या हमें वो इंसान को छूना, बात करना पसंद आएगा? हम उसे देख के दूर हो जाएंगे। किसी से बदबू आएगी, हम कहेंगे सामने मत आओ, दूर हो जाओ। बिल्कुल ठीक इसी तरह, अगर आपके घर से बदबू आती है, अगर आपके घर में गंदगी है, आपके घर में जाले हैं, आपके घर में साफ सफाई नहीं है, तो इन चारों में से कोई भी देवता आपके घर नहीं आएंगे। घर छोटा हो या बड़ा, साफ रखें ये ज़रूरी है। और सफाई का मतलब ये नहीं कि जो दिख रहा है वो चमका लिया, मुँह साफ है और अंदर गंदे कपड़े पहने हुए, उसका कोई फ़ायदा नहीं। आपके घर का एक एक कोना साफ साफ होना चाहिए। इसके साथ साथ धनतेरस से लेकर भाई दूज तक किसी को उधार नहीं देना, चाहे जो मर्जी हो, जो दिया वो वापस नहीं आएगा, ये तो लेने का समय है, देना नहीं है किसी को। और एक बात का ध्यान रखें आप, जब आप पूजा करते हैं तो शुभ मुहूर्त का ख्याल ज़रूर रखें, सही समय पे सही चीज़ रिजल्ट देती है। और शुभ मुहूर्त में हस्बैंड वाइफ लक्ष्मी जी और विष्णु जी के मंदिर में ज़रूर जाएं, इससे मैरिड लाइफ जो है वो स्टेबल रहती है, आपसी संबंध अच्छे होते हैं। दो टिप मैं आपको और ज़रूर बताऊँगी। धनतेरस के दिन हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। जी हाँ, कुछ शास्त्रों में ये बखान है कि हनुमान जी की पूजा अगर आप धनतेरस पे करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको सिर्फ लेना आता है और देना नहीं आता है तो आप असुर हैं। कभी किसी देवता को इस पोजीशन में मूर्ति में देखा है? देवताओं के हाथ हमेशा यूं या यूं रहते हैं। अगर आपको देना आता है तभी आपके अंदर वो गुण आएंगे कि लोग आपको पूजेंगे, तो इसलिए गरीबों को दान ज़रूर दें। आपके घर में रहे हमेशा समृद्धि, इसके लिए नोट कीजिए दूसरा महा उपाय। घर में पैसा आ जाता है, लेकिन अगर भाई भाई के बीच झगड़े हैं, बाप बेटे के बीच झगड़े हैं, मियां बीबी के बीच झगड़े हैं, तो पैसा किस काम का? पैसे के साथ समृद्धि आए, इसलिए दिवाली वाले दिन आप दक्षिणावर्ती शंख की पूजा ज़रूर करें। आप 3 दिन भी कर सकते हैं, धनतेरस पे और साथ साथ छोटी दीपावली पे और दीपावली पे दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करें, उसमें पानी डाल के पूजा करें, उसके बाद उस जल को घर में सभी लोगों के ऊपर छिड़कें, इससे घर में समृद्धि आती है। पहला नियम, अगर फीमेल किसी भी अपवित्र अवस्था में है, जैसे सपोज आप तीर्थ के दौरान गुजर रही हैं, तो इस समय आपको शंख नहीं बजाना है। ऐसा करती हैं तो माँ लक्ष्मी आएंगी नहीं, चली जाएंगी। अगली चीज़ जिसका हमको ध्यान देना है वो ये कि माँ लक्ष्मी की जब आप पूजा करें, कमल का फूल ज़रूर चढ़ाएं, ये उनका आसन है। आप बार बार उसको पानी के छींटे छिड़क कर आप 5 दिन तक सेम फूल यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरी चीज़ जिसका हमको ध्यान रखना है वो है आसन। आसन जो है हमारा ऊनी होना चाहिए। जब हम ज़मीन पर बैठकर पूजा करते हैं तो हमारी जितनी वाइब्रेशन हैं वो अर्थ एनर्जी ग्रेविटी पुल के कारण खींच लेती है। जब ऊनी आसन रहता है तो हमारी वाइब्रेशन, हमारी कृपा हम तक ही रहती है। जब माँ लक्ष्मी की आरती करें तो 4 बार सबसे पहले उनके चरणों की आरती करें और 3 बार या 1 बार उनके मुख की आरती करें, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। अब आपको ध्यान देना है कि माँ लक्ष्मी की गिफ्ट की गई मूर्ति, अगर वो प्लास्टिक की है, फाइबर की है, कांच की है या लकड़ी की है, तो आपको इस्तेमाल नहीं करना। एक और बात आपको बताएं कि अगर कोई फ़ोटो आपके मंदिर में जल गई हैं, कटी फटी हैं, या फिर अगर मंदिर का कोई कांच टूटा हुआ है, तो उसको तुरंत हटा दें। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिंबल है। कई बार मंदिर में चीज़ें अपने आप घटित हो जाती हैं हमारी नेगेटिविटी लेते हुए। उसको अगर हम रखे रखते हैं, विसर्जन नहीं करते हैं,
तो वो नेगेटिविटी बरकरार रहती है। एक और बात, मंदिर का जो सामान है जैसे पुस्तकें हो गई, भगवान के वस्त्र हो गए, उसको मंदिर के ऊपर नहीं रखें, मंदिर को लाइट रखें ताकि वहां से सही एनर्जी अब्सॉर्ब कर सके। पैसे के लिए, प्यार के लिए, समृद्धि के लिए, खुश के लिए और प्रेम के लिए आप धनतेरस से लेकर भाई दूज तक 5 दिन अखंडित ज्योत जलाएं। अगर आप अखंडित नहीं जला सकते हैं तो कुछ कुछ देर के लिए जला लें। ऐसा करने पर आपके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अगर आप साल भर चाहते हैं आपके घर में आर्थिक समृद्धि रहे तो शनि देव को आपको काबू करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी लाइफ में डिलेज होते हैं शनि देव ही कराते हैं। उसके लिए जानिए हमारा तीसरा महा उपाय। दीपावली के दिन आप लौंग की पूजा करें माँ लक्ष्मी के साथ। फिर इस लौंग की पूजा करने के बाद लौंग को आप सिल्वर कपड़े में बांध दें। लौंग जो है वो शनि का प्रतीक है और सिल्वर कपड़ा शुक्र का, दोनों की अच्छी मित्रता है। लौंग को सिल्वर कपड़े में बांध कर तिजोरी के पास रख दीजिए या अपने घर में जहाँ पे भी आप कैश रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, वहाँ पर रख दीजिए। देखिए साल भर आर्थिक तंगी नहीं होगी।